जिन्हें भी साडे सियासी लीडर हैं ना, यह सिर्फ आवाम नूं गल्लां दिंदे ते तमाशा दिखांदे, दिंदे कुछ भी नहीं। नवाज शरीफ आ गए हुण कहिंदे ने तां हालात ठीक हो जाणगे। अल्लाह तो डरो, कानून लीग भी अपने मफाद के लिए आती है। बिल्कुल, हर बंदा अपने मफाद के लिए आता है। बाबा जी तुसीं दसो। मैं पार्टी नून लीग का। की वजह है? मेरी मर्जी। तुहाडी नज़र है चंगे काम कौन कर रहा है या किहदे काम कर रहा? कोई भी नहीं कर रहा, सारे ही खान बेले बने हुए ने। जी हम तो इधर शेर पे निशान पे मोर लगाएंगे, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान का जरूरत है सिर्फ नवाज शरीफ की। केड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, जीवांगे नाल तेरे, रवांगे नाल तेरे। बाबा बूटिया सच पुछे ते नून लीग नाल सच्चियां यारियां ने। दुकानदार तबका हमेशा से नवाज शरीफ को पसंद करता है। इलेक्शन सर पे है, वोट देंगे? जी देंगे, जरूर देंगे। किसे देंगे? खान साहब को देंगे। खान की वो तो जेल में है। जेल में है तो फिर क्या हुआ? लीडर तो है ना, हमारा लीडर है। हम तो जिए बटो। भुट्टो साहब का एहसान है, उसने एटम बम दिया। भुट्टो का एहसान, उसने इस मुल्क को आइन दिया। भुट्टो का एहसान है, उसने इस गरीब को जुबान दी। मियां साहब वंडरफुल ऑफ लाइक इट, माय बेस्ट लीडर माय नवाज शरीफ। इलेक्शन करीब है, किसको वोट देंगे? इस्तेकाम पार्टी जगीर तरीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रोड टू इलेक्शन में मैं हूँ ज़ीशान बख्श। मेरे पीछे मौजूद तारीखी इमारात जो हैं, गुरुद्वारा जन्मस्थान ननकाना साहब, एक मशहूर व मारूफ जगह और एक ख़ास मुकाम रखती है सिख बरदरी में। ये शहर दो कौमी और चार सूबाई असम्बली के हलकों पर मुश्तमिल है। 2018 के आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के ब्रिगेडियर इजाज़ शाह यहाँ से मुंतखब होकर कौमी असम्बली के रुकन बने, जबकि डॉक्टर शिजरा मनसिब दूसरे नंबर पर रहीं और तहरीक लब्बैक ने 50,000 से जायद वोट इस हलके से लेकर एक नुमायाँ मुकाम बनाया। इस हलके को नया नंबर NA 111 और 112 दिया गया, जबकि 2018 के आम इंतखाबात में ये कौमी असम्बली के हलके NA 117 और 118 कहलाते थे। इस हलके की आवाम आइंदा आम इंतखाबात में किसे अपना नुमाइंदा मुंतखब करते हैं, किसके मंशूर से मुत्तफिक हैं और किसने अपने माजी के वादे पूरे नहीं किए, आइए चलते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। किसको वोट देंगे जी? किसी को भी नहीं जी। क्यों? क्योंकि ये सियासी लीडर तो आवाम की किस्मत ही नहीं बदल सकते। वोट का फायदा? पिछली दफ़ा किसको वोट दिया? किसी को भी नहीं देते हम, देते ही नहीं। अगर आप वोट नहीं देंगे तो फिर कैसे आप वादा कर नहीं, सकते? नहीं, वादा सकते हैं? नहीं, वजह पता की है, ये जिन्हें भी साडे सियासी लीडर हैं ना, ये सिर्फ आवाम नूं गल्लां दिंदे ते तमाशा दिखांदे, दिंदे कुछ भी नहीं। लेकिन तुसीं भी तां वोट नहीं ना दिंदे हो, जे तुसीं वोट दिओ। वोट दी वैल्यू कोई नहीं ना, जदों तब्दीली आ जिहड़ा गौरमेंटां बदलदियां, वोट दे सिर ते अज तक नहीं बदली। ते फिर काहदे सिर ते बदली? बदली आ भट्टो दी, ओही वोट दे सिर ते आया, ते बाकी तो कुछ भी नहीं आया। ते बाकी किस तरह आए सारे? बाकी जिहड़े लिआए जवास आ गए। नहीं तो नवाज शरीफ आ गए हुण कहिंदे ने तां हालात ठीक हो जाणगे। अल्लाह तो डरो। क्यों? नहीं हो सकते। वजह? जिन्हां ने MP MLA जित के जाने, पुराने चेहरे जाने आ, जागीरदार सरमायादार, क्या निचली क्यादत को जा रही है जिहड़ी पढ़ी लिखी होवे? नहीं तो निचली क्यादत क्यों नहीं जा रही? तो जो स्टूडेंट्स का तुसीं यूनिवर्सिटी दी पाबंदी लाती, तो उत्थों निचली क्यादत इत्थों उठनी है ना। पढ़े लिखे तो स्टूडेंट्स जाणगे ना, हुण की आ एक जागीरदार है कि सरमायादार, तुसीं टिकट दे दे, आवाम दी किस्मत कितना बदलने की? कैसे देख रहे हैं जी, इलेक्शन सर पे है, किसको वोट देंगे? इलेक्शन इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ का सर, अल्हम्दुलिल्लाह। मियां साहब के जो गलत इल्ज़ाम लगे रहे, बेटे को तनख्वाह की बेस पर को फारग किया गया 7 साल, उनका क्या कसूर है? लेकिन इंशाल्लाह जो पंजाब में इंकलाब ला सकते हैं वो मियां साहब ही ला सकते हैं। लेकिन आपके मुखालिफ कहते हैं कि मुश्किल वक्त में मियां साहब बैरून मुल्क चले जाते हैं, जब हुकूमत करनी होती तो पाकिस्तान वापस आ जाते हैं। सर वो तो सिर्फ बीमार थे, अब इंशाल्लाह ये बीमार थे, इलाज तो उन्होंने कराया नहीं। इलाज करा के आए हैं। कहाँ पे, किस डॉक्टर के पास? वो तो कहीं एक दिन भी हॉस्पिटल नहीं गए। गए हैं हॉस्पिटल, क्यों गए? ये बलाबल तरह नहीं है ना, ये बच्चा अभी कच्चा है, उम्र का बहुत कच्चा है। लेकिन मियां साहब वंडरफुल ऑफ लाइक इट, माय बेस्ट लीडर माय नवाज शरीफ। लेकिन जरदारी साहब तो है ना बिलावल के सर पे ट्रेनिंग के लिए? जरदारी तो कह रहे हैं कि बच्चा है हमारा कच्चा है, वो बाप और बेटे की नहीं बनती, तो उसको क्या करेंगे हम? सिर्फ वोट नवाज शरीफ का, शेर पाकिस्तान तेरा शेर है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की बनती है आपस? हाँ जी बनती है, अल्हम्दुलिल्लाह आपस में सब इकट्ठे हैं। लेकिन नवाज शरीफ तो कहते हैं कि मैंने तो कुछ और चीजें कही थी, इन्होंने हुकूमत नहीं बनानी थी, उसके बावजूद शहबाज शरीफ को हुकूमत मिली। साफ तो बनता है ना कि यानी कि वो आपस में जो लड़ते हैं वो लड़ते नहीं है, सिर्फ आपस भाइयों भाइयों का इत्तेफाक होता है एक घर में। लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ लड़ते? नहीं नहीं, लोगों को लड़ते ही नहीं है। जो पीपल पार्टी ने कर दिया तछे पागे बैजी दा सी बिजली फिर नहीं सही होंदी। तहरीके इंसाफ, मैंने इलेक्शन लड़ा है,
के इसको मैंने 500 इसको मैंने इसको मैंने 500 रुपया दिए हैं और शेर पे पाकिस्तान का मोहर लगा दिया सिर्फ 500 में सिर्फ पीपल पार्टी को क्या चाहिए पीपल पार्टी को चाहिए पीपल पार्टी को चाहिए 500 रुपया दिखा दो और उसकी वोट ले इसको 1000 रुपया दो ये कोथले एक मिनट खोलो ये कोथले पीपी का इसको 1000 रुपया दो अपने सदर है पीपल पार्टी का पहले किसे वोट दिया था अपना नून लीग को तो अब नहीं देंगे देंगे इंशाल्लाह तो फिर आप नून लीग को वोट देंगे इंशाल्लाह तो समझते हैं कि नून लीग मुल्की मसाइल हल कर सकती है अल्लाह के अल्लाह खैर मुस्कुरा रहे हैं आपको यकीन नहीं है बस ऐसे ही है जी क्या वजह वजह ये कि मतलब जो भी आता है सीट के पीछे आता है जी वो अपने मफादात के लिए आता है हर बंदा जैसे हम अपने मफाद के लिए बैठे हैं तो नून लीग भी अपने मफाद के लिए आती है बिल्कुल हर बंदा अपने मफाद के लिए आता है तो फिर आप नून लीग को वोट फिर भी देते हैं बस ये कह लेंगे एक पैटर्न बना हुआ है बाबा जी तुसी दसो मैं पार्टी नून लीग का अच्छा की वजह है मेरी मर्जी नहीं मर्जी तो थोड़ी है को दसो ना क्यों तुहानू नून लीग पसंद है केड़े ऐसे काम ने जेड़े मियां साहब करते हैं और तुसी कहंदे हो जी बहुत अच्छे काम ने मैं पार्टी हो या पसंद है नहीं है मैं झूठ तन मारा मैं पीपल पार्टी में ये वो मैं नून लीग कर ले तो महंगाई तो नहीं है इस वक्त बोलोगे महंगाई है किदा शुक्रिया अदा करोगे इस महंगाई दे जेड़ा हुक्मरान अच्छा आ गया ओदा शुक्रिया अदा करोगे ते जेड़ी पिछली नून लीग दी हुकूमत सी वो ठीक सी हां बेहतर जेड़े शहबाज शरीफ 16 महीने रहे वजीर आजम हां बेहतर चाचा जी किनु वोट दोगे वोट तो हुकूमत नहीं देना जेड़े काम चंगे करे वो नहीं देना वोट नहीं ते तुम्हारी नजर है चंगे काम कौन कर रहा है या किदे काम कर रहा कोई भी नहीं कर रहा सारे ही खान बेले बने हुए ने सारे ही ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੁਲੰਗ ਬਣਵਾਇਆ ਚੰਗਾ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਨਾਲੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਮਕਿਆਈ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਮਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਦਫ਼ਾ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਦਫ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਹੁਣ ਵੋਟ ਜਿੰਨ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੰਗੇ ਆਪਕਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਸ ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਾ ਵੋਟ ਦੇਗੇ ਦੇਗੇ ਕਿਸ ਕੋ ਦੇਗੇ ਸ਼ੇਰ ਕੋ ਦੇਗੇ ਅੱਛਾ ਕਿਉਂ ਸ਼ੇਰ ਕੋ ਕਿਉਂ ਦੇਗੇ ਕਿਸੇ ਔਰ ਕੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਗੇ ਕਿਸੇ ਔਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਹਮਾਰਾ ਖਾਸੀਅਤ ਵੋ ਹੈ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਆਵਾਮ ਕਿਸੇ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰੇਗੀ जी हम तो इधर शेर के बल शेर पे निशान पे मोहर लगाएंगे क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान का ज़रूरत है सिर्फ नवाज शरीफ की क्योंकि अभी तक जो भी पाकिस्तान 70 साल या जितनी भी डेट है उसमें से अभी तक देखा जाए तो पाकिस्तान में सिर्फ नवाज शरीफ वाहद सियासतदान है जिसमें पाकिस्तान में तरक्की कराई लेकिन आपके मुखालिफ कहते हैं कि जब हुकूमत का वक्त आता है तो नवाज शरीफ पाकिस्तान आ जाता है जब हुकूमत से बाहर निकलते हैं तो फिर भाग जाते हैं इस पे मुस्कुरा रहे हैं आप भागने वाली बात नहीं है अब अगर यही बात यही जो अरसा नवाज शरीफ ने गुजारा है ना इसी तरह नवाज शरीफ के साथ जो सलूक हुआ अगर किसी और सियासतदान के साथ होता तो मेरा ख्याल दोबारा पाकिस्तान में आता सरदार जी कैसे हैं आप अल्लाह का करम तो सी सुनाओ ठीक अल्लाह का करम की हालात ने कारोबार दे तो ते हुन कारोबार स्लो ही होए ने अच्छा हां जी महंगाई दी वजह नाल ठीक है ते देखांगा कि की बनदा है ते इलेक्शन सिर ते है ते ननकाणा दी आवाम इस दफा और तुहाडी जेड़ी सिख बरादरी है वो किस कैंडिडेट नु सपोर्ट करेगी साडे यानी दोहां दे सपोर्ट है इमरान खान दे भी नवाज शरीफ दे भी हैगे दोहां दे हैगे अच्छा ते जेड़े अपने नवाज शरीफ नु देणगे जेड़े इमरान खान दे इमरान खान तुसी की समझदे हो दोनों जो केड़ा बेहतर है वक्त हिसाब नाल दोवें ही बेहतर रहे ने अच्छा हाँ जी कोई किसी ने भी बंदा माड़ा नहीं कह सकता अकलीती बरादरी ले खास तौर पे और ननकाणा शहर दी तमीरो तरक्की नु लेके किस सियासी जमात ने ज्यादा काम किया यानी दोवे ने अपने अपने किरदार अदा किए करतारपुर वाले साइड ते इमरान खान ने किया है ते ननकाणे वाले साइड ते माशाल्लाह नवाज शरीफ ने बड़े यानी अहम किरदार अदा किया जी हुण 2024 फरवरी च किनु वोट देने जा रहे हो फिलहाल तो सलाह नवाज शरीफ दी है सलाह हो गई है फैसला हो गया है इलेक्शन करीब है और किसको वोट देने का इरादा रखते हैं केड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे जीवांगे नाल तेरे रवांगे नाल तेरे आज ढोले ने ओना बूहे दे बारियां ने बाबा बूटिया सच पुछे ते नून लीग नाल सच्चियां यारियां ने अच्छा यारियां तुहाडियां नून लीग दे नाल ने और जेड़ी और लोगों नु भी मैं कहना वा इना इस पार्टी विच खौफे खुदा है मैं गोल्डे शरीफ वाले दा मरीद हां ਮੈਨੂੰ 52 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪੀਰ ਮੇਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹ ਚੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੋਹਤਰਮ ਨੂਨ ਲੀਗ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬੱਲੇ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਚੰਗੇ
ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਨਕਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਅੱਛੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਮਿਸਾਲ ਦਲੀਲ ਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਸੌ ਗਾ ਹੀ ਰੱਸਾ ਸਿਰੇ ਦੇ ਗੰਢ, ਸੌ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ, ਸੌ ਸੁਨਿਆਰ ਦੀ ਇੱਕ ਲੁਹਾਰ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਅੱਛੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ, ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸੀਏ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ 'ਚ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਦੇ ਜੱਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਕਦੇ ਲੰਡਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਨਿਉਂਦਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ, ਨਿਉਂਦਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਰ ਪੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਕੋ ਵੋਟ ਦੇਂਗੇ? ਵੋਟ ਪੀਟੀਆਈ ਕੋ ਦੇਂਗੇ, ਪੀਟੀਆਈ ਕੋ ਵੋਟ ਦੇਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਾਲਾਤ ਕੈਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਂ? ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਸੇ। ਪਹਿਲੇ ਸੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਸੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਕੌਣ ਮੁੰਤਖਬ ਆਪਕਾ ਇਸ ਦਫਾ ਹੋਗਾ ਆਪਕੇ ਇਲਾਕੇ ਸੇ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਹੋਗੀ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਕੋ ਵੋਟ ਦੇਂਗੇ? ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਕੋ ਕਿਉਂ ਵੋਟ ਦੇਂਗੇ? ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤਬਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੋ ਪਸੰਦ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ, ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਤਿਆਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਬਸ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਜ੍ਹਾ? ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੰਗਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ? ਜੇ ਪੁਰਾਣਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾ ਲਓ। ਨਵਾਂ ਕਿਹੜਾ ਅਜ਼ਮਾਈਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਲੁੱਟਮਾਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ। ਪਿਛਲੀ ਦਫ਼ਾ 2018 'ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ? ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ? ਜਦੋਂ ਆਊਗੀ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਰ ਪੇ ਹੈ, ਵੋਟ ਦੇਂਗੇ? ਜੀ ਦੇਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਦੇਂਗੇ? ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਦੇਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਮੇ ਹੈ? ਜੇਲ੍ਹ ਮੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਆ ਹੋਆ, ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਹਮਾਰਾ, ਲੀਡਰ ਹੈ, ਹਮ ਉਸੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਆਗੇ ਆਨੇ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੇ ਹੀ ਹੋਂਗੇ। ਤੋ ਨੂਨ ਲੀਗ ਕੋ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਦੇਂਗੇ? ਕਿਸੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦੇਂਗੇ, ਖਾਨ ਕੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦੇਂਗੇ। ਆਪਕੇ ਯੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਆ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ? ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਆ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੇਂ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਦੇਂਗੇ? ਨੂਨ ਲੀਗ। ਓ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੱਛੀ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਕੋ ਚਲਾਤੇ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਗੁੜ ਕਹੀਂ ਸੇ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਲਾਏ ਹੈ, ਕੈਸੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੇ? ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਸ ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕਾ ਬਸ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਤਨਾ ਇਹ ਸਫੈਦ ਗੂੜ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੈਮੀਕਲ ਸੇ ਧੁਲਾ ਹੁਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਕਾ ਬਣਾ ਹੁਆ, ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਸੇ ਬਗੈਰ ਬਣਾ। ਇਸਕਾ ਕਿਆ ਰੇਟ ਹੈ ਔਰ ਉਸਕਾ ਕਿਆ ਰੇਟ ਹੈ? ਇਹ 200 ਜੇ 150। ਤੋ ਜਿਸਕੋ ਕੈਮੀਕਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੋ 200 ਕਾ, ਜਿਸਕੋ ਕੈਮੀਕਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਵੋ 150 ਕਾ। ਤੋ ਕੌਨ ਸਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਸਕੋ ਕੈਮੀਕਲ ਆਪ ਲਗਾਨਾ ਚਾਹੇਂਗੇ ਔਰ ਵੋ ਇਕਤਦਾਰ ਮੇਂ ਆਏ? ਹਮ ਤਾਂ ਜੀਏ ਬੱਟੋ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ। ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਜੀਏ ਬੱਟੋ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਕਿਸਕੋ ਵੋਟ ਦੇਂਗੇ? ਵੋਟ ਜੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੋ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਲਕ ਵਹੀ ਬਿਹਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਥੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਾਬਿਲ? ਕਾਬਿਲ ਸਮਝ ਮੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਮਝਾ ਤਾਂ ਥਾ ਖਾਨ ਕੋ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਉਸੇ ਬਣਾ ਕਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਉਸਕੋ ਵੋਟ ਦਿਆ ਥਾ? ਵੋਟ ਤਾਂ ਦਿਆ ਥਾ ਉਸੇ 2018 ਮੇਂ ਜੀ। ਅਬ ਨਹੀਂ ਦੇਂਗੇ? ਨਹੀਂ, ਅਬ ਨਹੀਂ ਦੇਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਯਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੁਲਕ ਚਲਾਉਣੇ ਕੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾ ਹੈ। 2018 'ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? 2018 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਓਗੇ? ਹੁਣ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ। ਪਿਛਲੀ ਦਫ਼ਾ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਜਿਸੇ ਆਪ ਵੋਟ ਵੀ ਦੇਂਗੇ ਅਗਲੀ ਦਫ਼ਾ? ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਅੱਛਾ, ਉਨਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਠੀਕ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਕੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਕਹਤੇ ਹੈਂਗੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ ਮੇਂ ਵੋ ਛੋੜ ਜਾਤੇ ਹੈਂ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਏਂਗੇ ਤੋ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਂਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਗੇ। ਪੱਕੀ ਪੱਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਪੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਏਂਗੇ? ਕਿਸ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋ ਸਪੋਰਟ ਕਰਤੀ ਹੈ? ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ। ਤੋ ਫਿਰ ਵੋਟ ਦੇਂਗੇ? ਨਵਾਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ, ਤਾਜਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। 2018 ਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੋਟ ਦਿਆ ਥਾ? ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕੋ। ਔਰ ਆਪ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੇ ਆਨੇ ਸੇ ਜੋ ਮੁਲਕੀ ਮਸਾਇਲ ਹੈ ਕਮ ਹੋਗੇ, ਬਿਹਤਰ ਹੋਗੇ? ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੈਸਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ? ਬਸ ਸ਼ੁਕਰ ਲੱਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੋਟ ਦੇਂਗੇ? ਅਭੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਵੋਟ ਦੇਣੇ ਕੋ, ਬਸ ਅਜ਼ਮਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੋ ਵੀ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੋ ਵੀ ਦੇ ਦਈਏ, ਦੀਆ ਵੋਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੋ ਦੇਂਗੇ ਔਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਦੇਂਗੇ। ਕਿਆ ਸਮਝਤੇ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਵੋਟ ਕਾ ਹੱਕਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਆਪਕੇ? ਮੈਂ ਸਮਝਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵੋਟ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਕੋ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਸ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਮੇਂ ਨੌਜਵਾਨ
नहीं 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 उन्होंने बनना, बिलावल को बनना चाहिए, नौजवान है वो, कौम का मेमार है और मुस्तकबिल का हमारा वो, हमें हम उम्मीद रखते हैं कि वो इस मुल्क के जो हालात बिगड़े हुए हैं जो बलोचिस्तान में ऐसे महरूमी है, बलोचिस्तान में जो दूसरे छोटे सूबों में ऐसे महरूमी दहशतगर्दी है जो ऐसा महरूमी उसका खात्मा चाहते हैं, तो फिर नौजवान को आगे आना पड़ेगा। जो जो एहसान जो हमें जो हम मजदूरों को जो किसानों को जो छोटे छोटे जो दुकानदारों को जो जबान दी है वो भुट्टो साहब ने दी है। जो जो जागीरदार थे समायदार थे जो तो हमसे छीन लेते, सब छीन लेते थे, ये तो भुट्टो साहब का एहसान है, उसने एटम बम दिया। भुट्टो का एहसान उसने इस मुल्क को आइन दिया। भुट्टो का एहसान है उसने इस गरीब को जबान दी। भुट्टो का बेनजी भुट्टो साहब आइन पाकिस्तान में जिन्हें बनी तो मिजाइल टेक्नोलॉजी लेके आई। सरदारी साहब जब सदर बने, लेकिन उन्होंने जो नून लीग के साथ इत्तेहाद किया 1.5 साल और जो महंगाई हुई उस पर तो मुखालिफिन बहुत नाराज हैं कि क्यों इत्तेहाद किया था नून लीग के साथ। इत्तेहाद किया इत्तेहाद इसलिए किया जो इमरान खान साहब थे ना जिन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया था, जिसने उनको पाकिस्तान तनहा हो गया, पाकिस्तान पूरी दुनिया में तनहा हो गया, पाकिस्तान हो गया था। ख्वाजा बशीर उसकी नाकाम ख्वाजा बशीर उसके रही, इसकी वजह उसको हटाने के लिए कुछ करना तो चाहिए था ना। इलेक्शन करीब है, तैयारी है इंशाअल्लाह जी। किसको वोट दिया था 2018 में? और सारे भी वोट दे के जमाया है लेकिन कोई फायदा नहीं होया। इस दफा इंशाअल्लाह जंगीर तरीन को सब वोट देंगे, सारे बाजार वाले इंशाअल्लाह। क्यों शेर को क्यों नहीं देंगे या जिनको पहले वोट देते रहे उनको क्यों नहीं देंगे? उन्होंने बहुत महंगाई तक, बहुत ही बिजली के रेट, गैस के रेट बहुत ही उन्होंने ना रेट चुके ने, तो असी उन्होंने अके पे। इलेक्शन करीब है, क्या तैयारी है? जी खूब तैयारी है हमारी। किसको वोट देंगे? वोट देंगे अपना चौधरी शेरमान को। अच्छा, किस पार्टी के उम्मीदवार? इस्तेकाम पार्टी जंगीर तरीन। तो पहले किसको वोट दिया था 2000? पहले हमने मुस्लिम लीग नून को देते थे, तो अब नून लीग को क्यों नहीं देंगे? अब हम नहीं दे रहे, हम कह रहे नई पार्टी को तरजीह दे रहे हैं। अच्छा, नए बंदों को आजमाना चाह रहे हैं? आजमाना चाह रहे हैं। तो पुरानों में क्या ऐसी वजह थी जो आप पुरानों को नहीं? हमें में कुछ नज़र नहीं आया ना, इसलिए हम गए। क्या आप बताएं जी किसको वोट देंगे और क्यों? अस्सलाम वालेकुम जी, वोट तो डेफिनेटली ये तो पीटीआई की है सर। 2018 में आपने किसे वोट दिया था? मैंने 2018 में पहली दफ़ा ही दिया था और पहली दफ़ा ही इमरान खान को दिया। तो आप दूसरी दफ़ा 2024 में किसे देंगे? I will repeat it again. फिर इमरान खान को देंगे? Absolutely. Absolutely, yes. किसको वोट दे रहे हैं जी इस दफ़ा? मियां नवाज शरीफ को। मियां नवाज शरीफ को? पिछली दफ़ा किसे वोट दिया था? मियां नवाज शरीफ को। क्या वजह है, क्यों हर दफ़ा मियां नवाज शरीफ को वोट? मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के काम बहुत ज़्यादा किए हुए हैं। मसलन कौन से ऐसे काम किए हैं आप समझते हैं दोबारा मौका मिलना चाहिए? पाकिस्तान में जो जितने काम हुए हैं तरक्याती सारे काम मियां नवाज शरीफ ने किए, किसी और किसी को काम। लेकिन आपके मुखालिफ कहते हैं कि जब मुश्किल वक्त आता है मियां साहब कभी जद्दा चले जाते हैं कभी लंदन चले जाते हैं। मुखालिफ तो मुखालिफ ही होते हैं, मुखालिफ का क्या बात है? नहीं जाते मुखालिफ जो मर्जी कहते रहे, इंशाल्लाह ताला नवाज शरीफ नवाज शरीफ ही है। हमें दिखाएं आप, कहीं भी दिखाएं, हमें किसी बात पर दिखाएं, किसी तरक्याती काम की नवाज शरीफ के अलावा किसने किया है? जैसी भी ये नून लीग चोर है, गंदे हैं, जवेर लतीफ़ जैसे भी है, शेखुपुरे का रंग निकला हुआ है, चाहे खाया है चाहे लगाया है, लोग मर रहे हैं भूख से। इन्हें क्या, वो अपने घर में गाड़ियों के ऊपर जाते हैं आते हैं। शेखुपुरा के लोग हैं, उनकी अक्सरियत तो नून लीग को पसंद करती है, क्या वजह है? हर बंदे का अपना नजरिया, लेकिन हम जो हैं हम पीटीआई के साथ हैं। वोट नहीं बन के सू देना वो की गल है, फारक नहीं है। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ पढ़ते हैं और देखते हैं शेखपुरा के जो लोग हैं वो अपने आइंदा के हुक्मरान किस जमात के लोगों को मुंतखब करते हैं और किन वजूहात की बिना पर। आइए चलते हैं, बात करते हैं। शेखपुरा के शहरी क्या राय रखते हैं अपने आइंदा के जो नुमाइंदे हैं वो किसको मुंतखब करते हैं? कुछ दुकानदारों के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। बताइएगा 2024 का इलेक्शन करीब है, किसको अपना आइंदा नुमाइंदा मुंतखब करना चाहेंगे? अभी तो फिलहाल हमने अभी डिसाइड नहीं किया, अभी अभी हम देखेंगे जो पार्टी भी आ रही है सारी के सारी ऐसे चल रही हैं। अभी तक आवाम का तो किसी ने भी नहीं फायदा सोचा। 2018 में आपने किसे वोट दिया था? पीटीआई को दिया था। तो अभी दोबारा पीटीआई को वोट नहीं देंगे? अभी फिलहाल अभी हमने डिसाइड नहीं किया, अभी फाइनल नहीं किया, अभी देखेंगे सूरत हाल। अभी क्या चीज़ देख के फैसला करेंगे? अभी सूरत हाल क्लियर नज़र नहीं आ रही, किसको क्या देख के वोट दें? किस उम्मीदवार से आपको तवक्कोआत हैं या किस जमात से आपको तवक्कोआत हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमान, पहली बात यह है कि इमरान खान को हमने चूज़ किया, चूज़ किया कि उसे वोट देना था वोट दे दिया, लेकिन किया उसने कुछ नहीं सिवाए बद जुबानी के, एक दूसरे को गालियां देने के। इससे बेहतर था वो कोई काम कर लेता। चलें ये जैसी भी ये नून लीग चोर है, गंदे हैं, जवेर लतीफ़ जैसे भी है, शेखुपुरे का रंग निकला हुआ है, चाहे खाया है चाहे लगाया है। लेकिन आप समझते हैं कि खा के लगाना ठीक है? असल में बात बताऊँ क्या, पाकिस्तान में हो क्या रहा है, या तो किसी को कुछ करने नहीं दिया जाता, अगर कोई कर रहा होता है तो हम उसे उसकी टांगे खींच लेते हैं।
ना वो उधर का रहता है ना वो उधर का रहता है। किसको वोट दे रहे हैं 2024 के इलेक्शन में? खान साहब को देंगे वोट। फिर खान साहब को देंगे? हाँ उनको देंगे। क्या वजह? अच्छा बात है, बस बात ये सब चोर है। क्या की है आगे? मोटरवे के किसी नहीं की लोग, महंगाई जितनी हो गई है हर चीज़ तो महंगी होगी इस मुल्क में, क्या है इस मुल्क में सस्ता बताएं मुझे। कारोबार पे कितना फर्क पड़ा? खत्म हो गया हुआ है, फर्क हो गया कारोबार, कोई काम नहीं है लोगों का। 3.5 साल इमरान खान की हुकूमत रही, 1.5 साल नून लीग और इतादियों की हुकूमत रही, इतनी महंगाई नहीं थी जितनी अब हो गई है। आपको पता है आटे का क्या भाव, चीनी, ऑयल, पेट्रोल, सब चीज़ें, क्या लोग तो गरीब हो गए हैं, लोगों पर पैसे बिजली के बिल मार गए हैं। 2024 का इलेक्शन करीब है, किस उम्मीदवार को वोट देंगे और किस सियासी जमात को? अभी तो इरादा ही नहीं किया। क्यों इरादा नहीं किया? नहीं अभी वैसे नहीं बस किया, जब आगे इलेक्शन आएंगे ना करीब तरीन फिर इंशाल्लाह करेंगे। 2018 में किसे वोट दिया था? लबैक वालों को। तो अब लबैक को देने का नहीं अभी फैसला आता है अभी, लेकिन अभी हतमी फैसला नहीं हुआ। अच्छा, तो अब अगर लबैक के अलावा भी कोई आपके पास ऑप्शन है कि सिर्फ वोट है तो नहीं का? लबैक का ही है। इलेक्शन की तैयारी है, किसको वोट दे रहे हैं इस दफा? इस टाइम किसी ने दे रहे, सारे एक वजह ने। कारोबार आपका जो फ्रूट का है ये कैसा जा रहा है काम आपका? बिल्कुल स्लो जा रहा है, कोई काम नहीं है भाई। 2024 इलेक्शन सर पे हैं, इस जमात से तवक्कुआत हैं कि वो ऐवान में जाकर शेखुपुरा की आवाम की नुमाइंदगी कर सके? सर ऑप्शन ही है, पीटीआई के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है पाकिस्तान के लिए। उसकी क्या वजह? उसकी वजह है कि इमरान खान ने जो जितना कंट्रोल किया, इमरान खान के अलावा वर्ल्ड लेवल पे भी जो उसकी टॉक है वो उसके लेवल का बंदा ही नहीं पाकिस्तान में। लेकिन नून लीग तो कहती है कि उनको हुकूमत चलाने का ही नहीं पता था। वो तो पर्चियों पे पढ़ते हैं, उनको तो अमेरिका चल जाए वहाँ भी पर्ची निकाल लेते हैं। इमरान खान तो एक और हीरो है पाकिस्तान का। वो तो जेल में है अब। जेल में भी कब? जेल में तो नवाज शरीफ भी था। तो नवाज शरीफ तो चला गया, फिर इसका मतलब है वो भी जा रहे हैं? नहीं, वो इमरान खान तो नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा। वो क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वो मुहब्बे वतन है, इसलिए वो नहीं जाएगा कभी। तो वो नवाज शरीफ मुहब्बे वतन नहीं? नहीं नहीं, वो तो भाग गया, वो तो दवाई के लेने गया, 4 साल बाद आया। लेकिन वो कह रहे हैं कि जी अब वो सेहतमंद होकर आ गए हैं, हुकूमत में आएंगे और फिर सारा कुछ ठीक करेंगे। नहीं, वो वैसे ही आए हैं अपने केस माफ कराने के लिए, और ऑप्शन उनके पास कोई नहीं। बताएंगे 2024 इलेक्शन में किसको वोट देंगे? भाई वोट दे के किसी को मिलना क्या है, बात तो ये है, ये हमारे बड़ों ने कुर्बानी दे के पाकिस्तान बना तो दिया, पर लोगों ने इनका ज़मीर मर गया, सौदे कर दिए, इन्होंने क्या हासिल किया? लोग मर रहे हैं भूख से, इन्हें क्या, वो अपने घर में गाड़ियों के ऊपर जाते हैं आते हैं, गरीब का हाल पूछे वो कैसे कमाता है कैसे करता है। बताएं जी 2024 का इलेक्शन करीब है, किसको वोट देंगे? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को। तो 2018 में दिया था वोट? जी TLP को दिया था। किसको दे रहे हैं जी 2024 के इलेक्शन में? और तो अभी दिल नहीं मान रहा है, जो हालात जा रहे हैं। क्यों, ऐसा क्या हो गया? वजह के महंगाई बहुत ज्यादा है, बाकी हम तो ज्यादा नवाज शरीफ को चाहते हैं। नहीं तो महंगाई की किसने है? कर जाए महंगाई तो पाजी नवाज शरीफ के दौर में तो अच्छी जा रहे थे, महंगाई नहीं थे। अभी आखिरी 1.5 साल तो शहबाज शरीफ वजीर आजम का साथ ही चलाते हैं, लेकिन वो अब समझ नहीं ना लगी उनको क्या कर गए मुल्क का, समझ नहीं लगी। लेकिन नवाज शरीफ जो आ जाए तो ये महंगाई कंट्रोल कर सकता है अभी भी। आप फिर मुस्कुरा क्यों रहे हैं साथ, अगर आपको एक तरफ कह रहे हैं समझ नहीं लगी, दूसरी शहबाज शरीफ के अंदर समझ नहीं लगी वो क्या कर गए। अच्छा था वजीर आला पंजाब, अच्छा था वो वजीर आजम, ठीक नहीं है वजीर आजम, ठीक नहीं था वजीर आजम शहबाज नवाज। आप बताए जी कौन अच्छा वजीर आजम हो सकता है में? सारे इको जी ने, सही मेरी पूछो तो उसकी क्या वजह? हाँ जी क्या वजह? वह 350 रहा, उन्होंने चोर चोर कहता रहा, तो आप ही चोर निकलिया, नहीं निकलिया दसो। जो बाद 1.5 साल आए ने उन्होंने काम ठीक किए ने? उन्होंने की करना, वो नहीं की, उन्होंने सिर पै गई है जी। ਤੇ ਹੁਣ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਕ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜ਼ਰਦਾਰੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ, ਗਰੀਬ ਅਸੀਂ ਆ ਫੜੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਰੋਣੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਦੇਣਗੇ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੋ। ਵੋ ਕਿਉਂ? ਬਸ ਵੈਸੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਵੋ। ਆਪ ਬਤਾਏ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਕੋ ਕਿਸੇ ਦੇਣਗੇ? ਸ਼ੇਰ ਕੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ। ਵੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੋ ਦੇਣਗੇ, ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸ਼ੇਰ? ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰ। ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੋਟ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ। ਕਿਸਕੋ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ 2024 ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ IPP ਮੀਆਂ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ। ਆਪ ਬਤਾਏ ਜੀ ਆਪਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸਕੋ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਫੈਸਲਾ। ਕਿਸਕੋ ਦੇ ਰਹੇ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੋ ਵੋਟ ਦੇ। ਕਿਉਂ? ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੈਸਾ ਕੈਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕੰਮ? मूंगफली महंगी है, घट बहुत इस्तेमाल लोग कर रहे हैं।
ਗਾਹਕ ਘੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਏ। ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਵੋਟ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਵੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਗਮੀ ਹੋਵੇ, ਵੋਟ ਛੇੜਦਾ, ਵੋਟ ਛੇੜਦਾ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਸਕੀਨ ਪਿਸ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਕਿਸੇ ਕੋ ਤਾਂ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਲ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਮੰਨਣਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ? ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮਕਰੂਹ ਹੈ ਜੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਰ ਪੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਕੋ ਵੋਟ ਦੇਗੇ ਜੀ? ਜੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੋ। ਕਿਉਂ? ਮੁਫਸਰੇ ਕਾਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਂ। ਆਪਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਕੇ ਕਾਮ ਅੱਛੇ ਹੈ? ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਜ਼ੀਦ ਆਗੇ ਪੁੱਛਤੇ ਹੈਂ, ਆਪ ਬਤਾਏ ਜੀ ਕਿਸ ਕੋ ਵੋਟ ਦੇਗੇ? ਵੋਟ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਦਫਾ TLP ਕਾ। ਅੱਛਾ, ਤੋ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਕਿਸੇ ਦਿਆ ਥਾ? ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੋ ਦਿਆ ਥਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟ ਸਿਰਫ TLP ਕੋ ਦਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੋ 500 ਵੋਟ ਲਵਾਇਆ ਥਾ, ਇਸ ਦਫਾ TLP ਕੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਆ ਕਿ 3000 ਵੋਟ ਲਵਾਨਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਕੋ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ 2024? PTI ਸਰ, PTI, ਜਸਟ PTI। ਦੇਖੇ ਜੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਜੋ ਕਾਮ ਕੀਏ ਹੈ ਵੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈ। ਜਸਟ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਜੈਸਾ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਇਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਹੈ। ਸਬਸੇ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਓਨੈਸਟ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਉਸ ਪੇ ਇਤਮਾਦ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਕੋ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ 2024 ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੇਂ? ਵੋਟ ਨੂਨ ਲੀਗ ਜੀ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ। ਵੋਟ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕਾ, ਕਿਉਂ? ਆਪ ਦੇਖੇ ਉਨਕਾ ਕਾਮ ਦੇਖੇ ਹੈ, ਉਨਕਾ CPAC ਦੇਖੇ ਹੈ, ਉਨਕੇ ਮਨਸੂਬੇ ਆਪ ਦੇਖੇ ਹੈ। ਤੋ ਯੇ ਕਾਮ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਕੀਏ, ਤੋ ਇਸੀਲੀਏ ਆਪ ਦੁਬਾਰਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਕੋ ਮੁਨਸਿਬ ਕਰੇਂਗੇ ਔਰ ਕਿਸੀ ਜਮਾਤ ਕੋ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਂਗੇ? ਲੇਕਿਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਬਕਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ। ਉਹ ਪਿਛਲਾ 4 ਸਾਲ ਕਾ ਦੌਰ ਦੇਖੇ ਨਾ, ਉਸਕੋ ਦੇਖੇ ਵੋ ਮਸਾਇਲ ਤੋ ਉਸਮੇ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਸਮੇ ਯੇ 15 ਮਹੀਨੇ ਮੋਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਤੇ। 2024 ਕਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਕਿਸ ਕੋ ਵੋਟ ਦੇਂਗੇ? ਵੋਟ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਾ। ਕਿਆ ਵਜ੍ਹਾ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਤੋ ਇਸ ਵਕਤ ਜੇਲ੍ਹ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੈਸੇ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੇਂ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਜੀਤੇਗਾ। 2024 ਕਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਰ ਪੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਕੋ ਵੋਟ ਦੇਂਗੇ? ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ। ਕਿਉਂ? Because I think as compared to the other politicians, he is the one. लेकिन लोग कहते हैं कि मुश्किल वक्त में वो अपने साथियों को और लोगों को छोड़ के चले जाते हैं और फिर जब हुकूमत का बारी आती है तो वापस आ जाते हैं। अगर देखा जाए as compared to other politicians, तो I think he is not like them. आप बताएं जी किसको वोट देंगे इस दफा और क्यों? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हम इस दफा IPP को वोट देंगे क्योंकि माजी में बहुत ज्यादती हुई है यूथ के साथ। इस दफा हमें अब्दुल अलीम खान साहब जो उन्होंने मंशूर दिया है, आप वही देख लें, अब पेट्रोल आधी कीमत पे उन्होंने कहा है, ठीक है ना जी। और इसके अलावा 12.5 एकड़ के जो ज़मींदार हैं उनके ऊपर बड़ा रिलीफ दिया गया है। मज़ीद पूछते हैं, आप बताएं जी किसको वोट देंगे और क्यों? मेरा नाम मोहम्मद फयाज गुजर है, इधर मोहल्ला मुस्लिम तारक रोड। वोट किसको देंगे? वोट जो है ना, वोट इस ज़िला शेखुपुरा में मैं सब वोटरों को कहना चाहता हूँ, पैगाम देना चाहता हूँ। इधर हमारे जो MNA मियाँ जुवेल लतीफ है ना, वो ऐसी शख्सियत हैं, इंटरनेशनल लेवल के लीडर है। उन्होंने ना सिर्फ हमारे शिवपुरा का नाम रोशन किया बल्कि नून का भी नाम रोशन किया। आप बताएं जी आपने वो फैसला किया किसको वोट दे रहे हैं? हाँ जी, फैसला किसको दे रहे हैं? इमरान खान को वोट दे। क्यों? अच्छा बंदा है, ईमानदार आदमी है। वो तो जेल में है। जेल में बाहर आ जाएगा इंशाल्लाह। बाहर आ जाएगा या बाहर ही चला जाएगा? बाहर नहीं, इधर ही रहेगा पाकिस्तान में। आप बताएं जी किसको वोट दे रहे हैं आपकी बार इलेक्शन में और क्यों? हम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इंशाल्लाह हम 8 फरवरी को हमारे शेखुपुरा से उम्मीदवार हैं PP 141 से मियां खालन महमूद साहब IPP के, और वो इंतहाई सदाकत और शराफत का पैकर हैं, और इंशाल्लाह 8 फरवरी को जीत उनकी होगी। कौन से ऐसे काम हैं उन्होंने किए हैं शेखुपुरा में जो आप समझते हैं कि बाकी जो जमातें 20-20, 30-30 साल से इकतदार में रही वो नहीं कर सकी? उन्होंने जो अभी लास्ट टाइम जो उनके पास जो दौरे इकतदार था उसमें ऐसे काम किए हैं जो हमारे शेखुपुरा में ना आज तक हुए हैं और ना नेक्स्ट कभी किसी के पास जो मर्जी इकतदार आज हो सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह हमारा जो शेखुपुरा से जो कैंडिडेट हैं, जो इनका वाबस्तगी अपनी ज़ाती वोट हैं, वो इंशाल्लाह 8 तारीख को हम फैसले के साथ प्रैक्टिकल करके देंगे। आप बताएं जी किसको वोट दे रहे हैं इस दफ़ा इलेक्शन में और क्यों? मैं तरीके लब्बैक को। क्यों?
उसकी बेसिक वजह यह है कि जो हालात चल रहे हैं जैसे भी है ना, अब ऐसा कोई लीडर नहीं है कि जो उनका मुकाबला कर सके। आप बताएंगे किसको वोट देंगे? इमरान खान को दूंगे। क्यों? अब यार इमरान खान साडा दिल में है, साडा फैन, उसको जेल में है। नहीं नहीं वो आ जाएगा थोड़े दिनों के बाद आ जाएगा। वैसे बात ये है वो आ जाएगा, हमें पता है ना ये बात है। वो एक दिन वो वैसे 5 साल आए वो हुकूमत करे, पता चले ये इतनी महंगाई हो गई है, इतनी वो सिगरेट देखे। नहीं वो कह रहे हैं जब भी कितने की होती थी। अभी नवाज शरीफ अभी भी आया तो है, वे अभी क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा। किसको वोट दे रहे हैं 2024 के इलेक्शन में? इंशाल्लाह IPP मियां खालिद साहब, क्योंकि सबको आजमा लिया है। मुझे उम्मीद है अलीम खान साहब इंशाल्लाह यूथ के लिए कोई अच्छा फैसला करेंगे, अच्छी उम्मीद है हमें उनसे और मुझे लगता है कि वो उम्मीदों पे पूरे उतरे। बताएं जी आप किसको वोट दे रहे हैं? हम जी IPP इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी को वोट देंगे। वो क्यों? क्योंकि उनका जो मंशूर है वो बहुत प्यारा है, गरीबों के लिए उनका मंशूर है। क्योंकि उन्होंने कहा 300 यूनिट जो बिजली फ्री है गरीबों के लिए, किसानों के लिए जो ट्यूबवेल का जो है वो भी फ्री है, 50,000 रुपये तनखे का ऐलान किया है अब्दुल अलीम खान साहब ने। इंशाल्लाह मियां खालिद महमूद साहब की क़यादत में इंशाल्लाह मियां खालिद महमूद साहब बड़े अच्छी लीड से इंशाल्लाह जीतेंगे। शेखुपुरा के अवाम 8 फरवरी को किसे वोट देते हैं? लोगों की राय आपने सुन ली, लेकिन आपने अपना वोट का जमहूरी हक इस्तेमाल करने के लिए निकलना है। प्रोग्राम पर फीडबैक दीजिए, ज़िशान बॉक्स को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।